मित्रों, मैं स्वागत करता हूँ आपका। आप लोगों को पता है कि एमपी ऑनलाइन के क्यूज़ के आवेदन चालू हो गए हैं। जैसे आपको पता होगा कि जैसे ही आप क्यूज़ पे आवेदन पे क्लिक करते हैं तो आपका आवेदन तो खुलता है, और बट फिर क्या होता है कि फिर वो दिखाता है कि ये आप देख सकते हैं कि 50 से ज़्यादा आपको आवेदन पर डे ले नहीं रहा है वो। मगर यदि आप रात में 12 बजे जाके ट्राई करते हैं तो आपका फॉर्म आगे तो प्रोसेस होता है, मगर उसमें क्या इशू आता है कि उसमें आप देख सकते हैं कि ये डिवीज़न जो आप देख रहे हैं, ये डिवीज़न ओपन नहीं होता। ये मेरा स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपका डिवीज़न नहीं आता होगा और आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता होगा। तो जहाँ तक मुझे पता है और जो पता चला है, जो एम पी ऑनलाइन क्यूज़ के आवेदन है ना, वो डिवीज़न वाइज ओपन हुए हैं। पहले उन्होंने क्या करा है, जबलपुर डिवीज़न को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे वो लोग जैसे जैसे फॉर्म सबमिट होते जाएंगे, जबलपुर, फिर भोपाल और जो और अलग अलग डिवीज़न्स हैं उसके लिए वो उस एमपी ऑनलाइन पोर्टल को चालू कर देंगे। मगर अभी की कंडीशन में सिर्फ जबलपुर डिवीज़न ही एमपी ऑनलाइन के उसके लिए आवेदन हो सकते हैं, बाकी सब में ये डिवीज़न का ऑप्शन खुल ही नहीं रहा है। आप सबको ये समस्या आ रही होगी, तो आप लोग थोड़ा समय वेट करिए और अभी एक दो दिन खोल के चेक करते रहिएगा। नाइट में 12 बजे तक ही, मतलब 12 बजे करेंगे तभी जाके आपका अप्रूव, मतलब कि उस आवेदन होगा, क्योंकि वो आधा एक घंटे के लिए ही खुला रहता है। उसके बाद फिर 50 आवेदन पूरे हो जाते हैं। तो आप लोग ट्राई करते रहिएगा और जैसे ही खुलेगा तो अपने आप आपका हो जाएगा, मतलब वो भोपाल डिवीज़न या जो अलग अलग डिवीज़न से आप लेना चाह रहे हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। मगर अभी सिर्फ जबलपुर डिवीज़न ही चल पा रहा है, इसके अलावा अभी कोई भी दूसरा डिवीज़न ऑन ही नहीं है, मतलब चालू ही नहीं हो पा रहा है। तो आप थोड़ा वेट करिए, उसके बाद अपने आप ही आपका डिवीज़न आगे हो जाएगा और आपका क्यूज़ का आवेदन आप कर सकते हैं। मगर अभी की कंडीशन में सिर्फ जबलपुर ही हो रहा है। तो मैं आपको जैसे ही नया अपडेट आएगा और डिवीज़न खुलते जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा।